अस्सलाम वालेकुम। आपको बताए ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं ये नीली चिड़िया को पसंद नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे ये नीली चिड़िया क्या चीज़ होती है। नीली चिड़िया असल में एक ड्रामा था, बड़ा क्लासिक, एक बड़े पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार है फिरदौस जमाल साहब, उनका ड्रामा है नीली चिड़िया, जिसमें वो एक डॉक्टर होते हैं और उनका एक वो बूढ़े हो चुके होते हैं और उनका एक दोस्त मिलने आता है और उनको सारी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पीछे गुजरी ज़िंदगी के बारे में बताता है। क्लास फेलोज होते हैं तो याद करते हैं, तुम वहाँ पे क्या हुआ था, ये क्या हुआ, तुम्हारी वो बिलावट कहाँ गई, क्या हुआ, ज़िंदगी के हालात कैसे हुए। तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं तो वो बातें डिस्कस कर रहे होते हैं क्लिनिक के अंदर। तो वो जो कहानी पता लगती है कि जब वो फिरदौस जमाल जब एक डॉक्टर बने होते हैं, यंग होते हैं, तो उनके आइडियाज़ बड़े डिफरेंट होते हैं ज़िंदगी से। तो ड्रामे में हमें पता लगता है वो एक बड़े सेल्फलेस इंसान होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं माशरे के लिए, चेंज करना चाहते हैं ऐसे। इसके पीछे वो बड़ी सेक्रीफाइसेस कर देते हैं अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, लवर बिलवर, पैसा वैसा। और जब वो उन्हें पता लगता है लाइफ की हकीकत का कि यहाँ पे तो लोग डर से और खौफ से चलते हैं, प्यार से और बेलोस होके नहीं चलते, लोग बड़े सेल्फिश हैं। और जब उन्हें ये रियलाइजेशन होते तो उन्हें पता लगता है उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ही नहीं बची, ना वो बिलवर्ड है, ना पैसे है, ना वो सुकून है, ना माँ बाप है, ना वो आइडियल्स रहते हैं। वो एक चिड़चिड़े से इंसान बन चुके होते हैं, एक सेल्फिश से। तो तब वो एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, कहते हैं कि लोगों ने उनको इतना ज़्यादा, माशरे ने या सोसाइटी ने या लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पिंच कर दिया होता है कि वो जितने अच्छे इंसान वो शुरू में थे उतने ही हार्श हो जाते हैं। वहाँ पे वो शायद ऐसा ही डायलॉग बोलते हैं कि ये माशरा, ये लोग नीली चिड़िया को पसंद नहीं करते, ये हाकस्तरी चिड़िया जो होती है, नीली चिड़िया हो जाए ना तो उसको ठूंगे मार मार के मार देते हैं। जो लोग इनमें से डिफरेंट होंगे ना इस सोसाइटी में, इस सिस्टम में, वो भी एक नीली चिड़िया जैसे हैं, ये लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको मार देंगे, उनका नुकसान कर देंगे। मैं इसके मुझे अब इसके आगे ये अल्फाज नहीं समझ आ रहे कि इंसान को एक नीली चिड़िया बनना चाहिए कि एक हाकस्तरी चिड़िया बननी चाहिए, बट एक हार्श रियलिटी मैंने आपके सामने ये रख दी है। और आप खुद ही इसका एनालिसिस करिएगा कि नीली चिड़िया का इस सोसाइटी में क्या रोल है और क्या उसका क्या मुकाम है उस चिड़िया और नीली चिड़िया का। वो लोग जो डिफरेंट है लोगों से, वो लोग जो हटके सोचते हैं, ये लोग उस सोसाइटी उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। मैं उनके लिए क्या कह सकते हैं, हमदर्दी कर सकता हूँ, फील सॉरी फॉर देम। ठीक, थैंक यू वेरी मच।